अरे मित्रों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन प्रतिशत का अगला भाग मतलब भाग चार पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर अभी अपने चार सवाल लिखे हैं। पहले हम चार को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आगे करेंगे। तो ये किस टाइप में है? वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित हैं? वृद्धि और कमी पर। जब एक में वृद्धि होगी, दूसरे में कितने ही कमी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान प्रतिशत परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, y के मान प्रतिशत। तो y के मान में क्या प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, तो यहाँ पर देखना है। तो देखेंगे यहाँ पर 37.5% फ्रैक्शन में होता है 3/3। कितना होता है? 3/8। यहाँ से मतलब यहाँ से 8 से कितना बड़ा, 8 से वृद्धि मतलब 8 से कितना बड़ा, 11। इसका उल्टा हो जाएगा, जो किसका आ गया x का, y का पूछा है तो क्या हो जाएगा, y का 11/8। तो इसका आ जाएगा ये अपना, यहाँ पर कितने की कमी हुई, 3 की। तो 3/11 × 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 300/11। यहाँ से देखेंगे इसको काटेंगे तो ये आएगा 11 × 2 = 22, बचे यहाँ पर 8, 11/7 = 77.27। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए वाला। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक त्रिभुज आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने प्रतिशत ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 66.2/3% कितना होता है, जे 2/3। यहाँ फ्रैक्शन में होता है जे 66.2/3% ये होता है अपना 2/3। यहाँ से क्या हुआ, वृद्धि मतलब 3 से वृद्धि क्या हुई, 3 से यहाँ पर वृद्धि हुई 2 की, तो 3 और 2 ये 5 हो गए। फिर इसका ऊंचाई में देखना, तो ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा अपना 5/3। मतलब यहाँ पर कितने की कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है 2 की कमी, मतलब कितने पर हुई है, 5 पर। तो यह आ जाएगा 2/5। परसेंटेज में चाहिए इसलिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो 5 × 2 = 10, 0 का 0 ये हो जाएगा 20 × 2 = 40%। इसका अपना ऑप्शन बी वाला सही होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखेंगे। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई। मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, वृद्धि। यहाँ पर यदि दो प्रकार आए, वृद्धि, इसका अपन ने फार्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्या था इसका, 15% वृद्धि, तो क्या 15 लिखेंगे, फिर इसमें भी कितने की वृद्धि हुई, 20 की, तो प्लस के 20 प्लस यहाँ पर वृद्धि, तो प्लस लगाएंगे 15 × 20/100, ये हो जाएगा अपना 35 प्लस ये हो जाएगा 15 × 30, 300 हो जाएगा, 300/100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, तो 35 और 3 35 + 3 ये हो जाएगा 35 और 3 38%। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ए वाला। इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं, 15% कितना होता है, 3/20 यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि मतलब 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। फिर यहाँ पर 20% क्या होता है, 1/5, मतलब एक ऐसा बड़ा 5 से बढ़ के कितना हुआ, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 × 5 यह आ जाएगा अपना, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100 और 23 × 6 = 138 138, कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर, 38 की। ठीक है, बेस वैल्यू सो ही है, अपन उसको ले जाएंगे तो कितना आएगा, 38% आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसको अपन
हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 18/1/3% कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। 20% फ्रैक्शन से करेंगे, 20% कितना होता है 1/5, और यहाँ पे 18/1/3 कितना होता है जी, अपन फ्रैक्शन में कितना होगा ये, तो ऐसा कर सकते हैं 18 54 55 55/300, तो ये काटेंगे 5 1 5 5 1 5 5 1 30, 0 का 0 मतलब कितना होगा 11/60। तो यहाँ से पहले में क्या हुई है, वृद्धि 20%, मतलब 5 से कितना हुआ 6, और यहाँ पर क्या हुआ कमी, मतलब 60 से 11 ही कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 60 में से 11 जाएंगे 9, मतलब 10 में से 1 जाएगा 9 और 5 में से 1 जाएगा 4, कितना आएगा 49। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 300, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 की 4, हासिल 5 आई, 6 चौका 24 और 5 24 और 5 29, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर है 6 का, और अपॉन 20 वैल्यू क्या है यहाँ पर 300 × 100, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पर जी संख्या छोटी है।